नमस्कार, मैं हूं वारिस खान और आप देख रहे हैं एसआर लाइव निमाड़ न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विजय दिवस के उपलक्ष्य में नगर महेश्वर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली। प्रवेश सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पीजी कॉलेज में किया प्रदर्शन। मुक्तिधाम सेवा समिति ने की एसपी कलेक्टर से कार्रवाई की मांग। मुक्तिधाम में 2 सप्ताह से हो रही तोड़फोड़। और अब खबरें विस्तार से। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र भी कॉलेज में प्रवेश से वंचित है। पीजी कॉलेज में प्रवेश के लिए सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। पीजी कॉलेज के प्रथम वर्ष में सभी संकायों की कक्षाओं के लिए सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए प्राचार्य आर एस देवड़ा को ज्ञापन सौंपकर सीटें बढ़ाने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अभिषेक राठौर शिवानी पटेल ने बताया कि प्रवेशार्थियों की संख्या काफी अधिक है, उसकी तुलना में उपलब्ध सीटें काफी कम है। वर्तमान में कई प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गए। यदि समय रहते प्रथम वर्ष बीए बीकॉम बीएससी संकाय में सीटें नहीं बढ़ाई गई तो कई छात्र छात्राएं प्रवेश लेने से वंचित रह जाएंगे। मुक्तिधाम में हो रही तोड़फोड़ को लेकर मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्यों ने एसपीएम कलेक्टर से असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शहर के कुंदा तट स्थित मुक्तिधाम में पिछले 2 सप्ताह से हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं पर मुक्तिधाम सेवा समिति ने कड़ा एतराज जताते हुए पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को शिकायत करते हुए असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है। समिति से जुड़े राहुल उपाध्याय, श्रीपाद जोशी, तरुण धनोते, दीपक सोनी ने नायब तहसीलदार प्रज्ञा गीते को शिकायती आवेदन सौंपते हुए बताया कि यहां दानदाता द्वारा म्यूजिक सिस्टम लगाया गया था जिसे कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। वहीं प्रकाश व्यवस्था भी तहस नहस कर दी गई है। यहां तक कि पेयजल के लिए लगाए गए आरओ सिस्टम के नल भी तोड़ दिए हैं। समिति सदस्यों ने बताया कि मुक्तिधाम को नियमित देखरेख करते हुए हरा भरा करने के लिए लगाए गए पौधे भी तहस नहस किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं की तो मुक्तिधाम में और अधिक व्यवस्थाएं बिगड़ सकती है। ये पिछले 1 महीने से जो हरकतें हो रही है इसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहले दीवारों में होल कर बड़े बड़े छेद करके अंदर आने के रास्ते बनाए गए। हमारे द्वारा यहाँ सुबह भजन वगैरह चलाने के लिए म्यूजिक सिस्टम लगाया गया था, उसको भी कल उसके स्पीकर वगैरह तोड़ फोड़ करके फेंक दिए गए। नल टंकियों में लगी नल की टोटियों को तो तोड़ना आम बात हो गई है। हर 8-10 दिन में हमको नई टोटियाँ लगाना पड़ती है। हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि यहाँ पर एक पूर्णकालिक चौकीदार रखा जाए ताकि इस प्रकार की कोई तोड़फोड़ या हरकतें न हो। असामाजिक तत्व ही ये काम करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवानपुरा तहसील मुख्यालय पर गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस के तत्वावधान में तहसील के किसानों द्वारा माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भगवानपुरा तहसील मुख्यालय पर गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस के तत्वावधान में तहसील के किसानों द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों की कपास व अन्य फसल नष्ट होने पर सर्वे कराने एवं खराब बीज विक्रय करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। किसान कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रतीक सिंह पवार, बलिराम सिसोदिया ने बातचीत के दौरान सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। हमने किसान का इस क्षेत्र में पूरी तरह से कपास नष्ट होने जा रहा है, इसलिए हमने आज ज्ञापन तहसीलदार को राज्यपाल के नाम दिया है और लगभग हमारे क्षेत्र में कपास पूरी तरह से नष्ट हो गया है और प्रदेश की निकम्मी सरकार ने किसानों को पूरी तरह से परेशान और बर्बाद कर दिया है। ऐसी स्थिति में हमको शासन का विरोध करना आवश्यक हो गया है। ये शासन कभी भी किसानों की ना हुई, ना है, ना थी, इसलिए इसको हमको उखाड़ फेंकने का एक मार्गदर्शन भी हम तैयार कर रहे हैं। 26 जुलाई कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में महेश्वर नगर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा नगर के बाजार चौक से प्रारंभ होकर जय स्तंभ चौराहे तक गई। जय स्तंभ चौराहे पर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करके शहीदों की शहादत को नमन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पंडित रोहित जोशी ने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में संबोधित किया। विशाल सरोज, मनोज पाटीदार एवं दामोदर दास महाजन ने सबको संबोधित करते हुए कारगिल की विजय को याद किया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की नगर महेश्वर एवं नगर मंडलेश्वर की कार्यकारिणी के युवा उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।